अपनी बेंटली लेके यहाँ से निकल चुका हूँ। एक लुके भाई साहब, गाइस एक्सीडेंट होते होते रह गया, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ हमारे गाड़ी का, लेकिन इस वक्त मेरा रिजॉर्ट पर पहुंचना काफी ज्यादा जरूरी है। गाइस मुझे सुबह सुबह भाई पता है किसका कॉल आया था, आज मुझे कॉल आया था गाइस आर्मी के एक्स वाइफ मेलेनी का, और गाइस उसने मुझे मिलने के लिए पलीटो शहर के पास जो एक रिजॉर्ट पड़ता है जो कि गाइस आपको ये सामने नजर आ रहा है यहीं पर मिलने के लिए, और इसका नाम है पैसिफिक ब्लफ्स, और इसी रिजॉर्ट पर मुझे मिलने के लिए बुलाया। तो मैं काम करता हूँ अपनी जो बेंटली है इसे बढ़िया तरीके से यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, और यहीं पर खड़ी रह के वेट करते हैं गाइस, क्योंकि गाइस ये जो मेलेनी है ये थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, इसने ऐसा मुझे मैसेज भेजा, क्योंकि गाइस यार आर्मी कर्नल से अगर मुझे बदला लेना है तो गाइस सबसे ज्यादा मुश्किल है, और गाइस अगर मेलेनी अगर चाहती है आर्मी कर्नल से बदला लेना है, क्योंकि ये आर्मी कर्नल की वाइफ नहीं बल्कि गाइस ये एक्स वाइफ है, और इसके दिमाग में ऐसा कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिसके लिए इसने गाइस माइकल को यानी कि आर्मी कर्नल के सबसे खास दुश्मन को चुना है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर पहुंच तो चुके हैं और थोड़ी देर में मेलेनी जो है वो अपने गाड़ी लेके यहाँ पर पहुंचती होगी। पता नहीं इसने किस काम के लिए हमें चुना है वो तो गाइस हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन एक सेकंड अभी अभी मुझे गाड़ी दिखी है। ऑल राइट गाइस, तो हमें फाइनली ये गाड़ी दिख चुकी है, ये है गाइस आर्मी कर्नल के एक्स वाइफ मेलेनी की, और इसने हमें इशारा भी कर दिया, और ये रही इसकी गाड़ी। तो मैं काम करता हूँ यहीं पर वेट करता हूँ। ओके, तो ये भाग भाग के यहाँ पर आ रही है। ऑल राइट, तो बताओ क्या हालचाल माइकल, माइकल मेरी हेल्प कर दो प्लीज। अरे अरे हेल्प चाहिए मुझे लगा ही था, चलो एक काम करो मेरी गाड़ी में बैठो, यहाँ पर दीवारों के भी कान होते हैं तो भाई बिल्कुल भी यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते। मिलिट्री कर्नल को अगर ये पता चल गया कि माइकल उसका सबसे बड़ा दुश्मन है ही है, लेकिन उसकी दूसरी दुश्मन यानी कि उसकी एक्स वाइफ अगर माइकल से मिल रही है तो भाई ये तो मिलिट्री कर्नल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इसीलिए गाइस हम लोगों ने ये मीटिंग यहाँ पर प्राइवेटली रखी है। अब बताओ क्या चक्कर है। देखो यार इस वक्त है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, मेरी बेटी है ना वो लंदन में पढ़ाई करती है, और मिलिट्री कर्नल ने पता नहीं अचानक से मेरी बेटी को उसके कॉलेज से अगवा किया है, और वो थोड़ी देर में एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले मेरी बेटी को लेकर के, उसकी पूरी की पूरी टीम है जो कि एयरपोर्ट से मेरी बेटी को पिकअप करके सीधे आर्मी बेस लेके जाने वाली है। और ये बात जैसे ही मुझे पता चली मेरे दिमाग में सबसे पहला आइडिया कि मैं ये बात तुम्हें बताऊँ ताकि तुम मेरी बेटी को बचा सको। गाइस यार ये क्या सीन है, मैंने अभी भी जो सुना वो सच है क्या, यानी कि गाइस यार पक्का कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी प्लानिंग में है मिलिट्री कर्नल, और मुझे लगता है यार इस मेलेनी को यानी कि मिलिट्री कर्नल की एक्स वाइफ को हेल्प कर देनी चाहिए, क्योंकि गाइस इसमें हमारा ही फायदा है। तो गाइस मैंने इसको हाँ बोल दिया। अब ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग है यानी कि जो फ्लाइट है वो कितने बजे पहुंचने वाली है, क्या होने वाली है, ये सारी की सारी जो प्लानिंग है ये गाइस मुझे मैसेज के थ्रू बताने वाली है, वो भी गाइस रीडर पर, मतलब हमारे पास एक डिवाइस है उसके थ्रू इसने मुझे एक डिवाइस दिया उसी पर गाइस वो हमें जो है मैसेज भेजने वाली है। अब एक काम करते हैं ना गाइस, मैं अपनी जो गाड़ी है ये देखो गाइस, वैसे यार आप लोगों ने मुझे अभी तक बताया नहीं कि यार अपनी जो न्यू बेंटली है ये कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। तो गाइस मैंने अपनी बेंटली यहाँ पर पार्क की, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया तो गाइस मैं आपको ठीक से बता देता हूँ। देखो इस वक्त गाइस ये जो बेंटली है ये शहर में बैन है, यानी कि गाइस आपको पता होगा इस वक्त अपना जो दोस्त अपना जो ये माइकल है वो है गाइस तड़ी पार, यानी कि वो इस वक्त भागा है लॉस सैंटोस शहर से और वो रह रहा है अपनी पूरी फैमिली के साथ पलीटो शहर के अंदर। अब गाइस इस मिशन के लिए स्पेशली इस मिशन के लिए मैं बच गया ओके तो गाइस इसी मिशन के लिए मैं लॉस सैंटोस आया, क्योंकि गाइस मेलेनी ने बुलाया तो भाई कोई ना कोई तो खास चीज़ होगी, और इसीलिए मैं इस लॉस सैंटोस शहर में वापस आ चुका हूँ। लेकिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, मैंने ना ट्रेवर को साथ में लिया है ना ही फ्रैंकलिन को। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों, तो गाइस बताता हूँ, लेकिन अभी इस वक्त मैंने मिलने के लिए गाइस अपने दोस्त बेनी को बुलाया और ये एक बड़ी सी गाड़ी लेके आ गया है। मैं काम करता हूँ ये चुराई हुई डॉज यहीं पर लगा देता हूँ और जाके, एक सेकेंड गाइस ये बेनी ने ऐसी कौन सी गाड़ी बनाई है, गाइस ये देख रहे हो कितनी बड़ी गाड़ी बनाई है। हाँ भाई बेनी क्या चक्कर है यार शहर में, यार मुझे तो वांटेड ही कर दिया। अरे माइकल यार तू तो बात ही मत कर साले, इतने कांड करते रहता है। अच्छा चल ठीक है सुन, मैंने तेरे लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड उस गाड़ी में रखवा दिया, यही गाड़ी लेके तुझे एयरपोर्ट जाना है ठीक है। ओके ओके, तो मतलब ये सब तेरी और मेलेनी की मिलके प्लानिंग थी क्या। हाँ भाई माइकल उसने मुझे भी फ़ोन किया था और उसने मुझे गाड़ी अरेंज करवाने को बोला था तेरे लिए। चल भाई ठीक है। ओ भाई 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 ये देख रहे हो बेनी की गाड़ी देखो गाइस, 1 2 3 4 5 भाई 6 टायरों वाला ये कैसा गाड़ी रनगाड़ा बनाया क्या बनाया पता नहीं बेनी ने। चलो गाइस एक काम करते हैं फटाफट से ये वाली जो गाड़ी है बेनी की स्पेशल व्हीकल इसे लेके निकलते। अगर आप सोच रहे हो भाई मेरे पास तो एक ही बॉडी गार्ड है, तो गाइस ऐसा नहीं है, इस गाड़ी के पीछे दो दरवाजे
खुलते ही गाइस अंदर 3-4 बॉडीगार्ड जो कि गाइस यार एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को खत्म करेंगे, और उसके बाद गाइस मुझे एयरपोर्ट पर एंट्री मिलेगी। वो कैसे, वो गाइस बहुत मजा आने वाला है। एयरपोर्ट पहुंचने दो गाइस मुझे। अब गाइस यार मेरी अभी अभी बात है ना मेलनी से हो रही थी कॉल पे, और उसने मुझे एक अपडेट दिया है कि यार वहां पर जाने के लिए तुम्हें आर्मर सूट पहनना पड़ेगा। अब ये जो आर्मर सूट है गाइस, इसने ना यहाँ पर एक पास ही में एक शॉपिंग मॉल है, उस शॉपिंग मॉल में मेरा जो आर्मर सूट है वो मेरे घर से उठवा के यहाँ पर लेकर आ चुकी है। तो गाइस हमें पहले उस शॉपिंग मॉल में जाना है, वहां से गाइस कपड़े की जो दुकान है वहां पर जाके ट्रायल रूम में उसने मेरा आर्मर सूट रखा है, वो जाके मुझे पहनना है, उसके बाद ही गाइस हम लोग यहाँ से निकलने वाले। ठीक है, तो गाइस मैं अपने बॉडीगार्ड को बोल देता हूँ, बॉयज मैं आता हूँ 2 मिनट में, ठीक है? हाँ यहीं पर रुकना, तुम लोग कोई अंदर मत आना। ऑल राइट, तो भाई यार दुकान में इतने सारे कपड़े हैं, लेकिन ये बंदी कह रही है कि आपके कपड़े ट्रायल रूम में है, जल्दी से जाके पहनो और यहाँ से निकलो इससे पहले कि सीसीटीवी में पुलिस वाले आपको देख ले, क्योंकि गाइस यार इस वक्त हम लोग वांटेड है। ये देखो गाइस हमने फाइनली आर्मर सूट पहन लिया है, और उसी के साथ ये जो बैग है इसमें गाइस है बहुत सारे हथियार जो कि हमें एयरपोर्ट पर लगने वाले। गाइस मुझे मेलनी ने सीधे सीधे कहा कि एयरपोर्ट पर ज्यादा अफरा तफरी मत करना, क्योंकि अगर हम लोगों ने उसके बेटी को नहीं बचाया ना तो भाई यार हो सकता है मिलिट्री वाले मिलके हमें तोड़ दे पेल दे सब कुछ। तो गाइस इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस मैं अभी आर्मर सूट तो पहन लिया मैंने, अब फटाफट से है ना इस गाड़ी को लेते हैं, और अब गाइस हम लोग सीधे जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। अब इस वक्त गाइस एयरपोर्ट पे जाना खतरे से खाली नहीं है, अगर किसी ने मुझे एयरपोर्ट पर देख लिया ना तो भाई यार भाई साहब तेरी भैंस की टांग निकल यहां से। चलो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस पीछे वाला गेट कम्प्लीटली बैन लॉक कर दिया। अब हमें मेलनी ने कहा ये जो सामने वाला गेट है यहीं से एंट्री ले लें। अब देखो मैं कैसी एंट्री लेता हूँ। चलो गाइस यहाँ पर देखो सिक्योरिटी आती ही गाइस हमें पहले लगी है, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड पीछे बैठा है। मेरी चालाकी देखो गाइस, मारो इनको इनकी पास की टांग। ले भैया देख रहे हो मेरी चालाकी, मुझे एक भी गोली नहीं लग रही है, और ये बॉडीगार्ड्स ने मिलकर सारे यहाँ के सिक्योरिटियों को खत्म कर दिया। निकलो तुम्हारी भैंस की। ले भैया मेलनी बहुत इंटेलिजेंट है गाइस, ये देख रहे हो क्या चालाकी की है इसने, पीछे बॉडीगार्ड्स को बिठा दिया, मैंने गाड़ी मोड़ दी और भाई मेरा काम खत्म। ले भैया पूरी सिक्योरिटी टीम यहाँ पर तहस नहस। चलो बॉयज मैं आता हूँ जल्दी से अंदर जाके। ओके ओके चलो गाइस अब मैंने बॉडी भाई 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 देख रहे एक्साइटमेंट में कभी कभी यहाँ वहाँ निकल जाता हूँ। अभी पहले अंदर चलते हैं गाइस, गेट बस खुल जाए यार, खुल गया। और ले भैया खुल गया, अब टेंशन की बात नहीं है, अब हमें कुछ नहीं करना, सीधे पहले अंदर जाना है। लगता है गाइस ये मेलनी ने रखी है, एक काम कर देना इसी गाड़ी को लेके है ना उनके कॉन्वॉय के पास जाता हूँ जहाँ पर इनका जो कॉन्वॉय है वो निकलने वाला है मिलिट्री कर्नल की बेटी को लेकर के। अब मिलिट्री कर्नल की बेटी का नाम क्या है ये मुझे पता नहीं है गाइस, ये तो मेलनी ने मुझे बताया नहीं है, लेकिन गाइस मिलिट्री कर्नल का जो प्राइवेट जेट है गाइस, जो प्राइवेट जेट है ना उसी में आने वाला, और वो रहा सामने गाइस खड़ा है मिलिट्री कर्नल का प्राइवेट जेट। उसके बाद गाइस सामने आप देख सकते हो 3-3 गाड़ियां हैं, और इन्हीं गाड़ियों में मिलिट्री कर्नल अपनी बेटी को लेके जाने वाला है। गाइस मुझे ना अभी अभी यहां पर मिलिट्री कर्नल की बेटी का जो ड्राइवर है ना वो गाइस मुझे इस तरफ आते आते दिखा है, तो मैं काम करता हूँ गाइस मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। ये देखो ये बंदा यहीं पर कहीं पर, ओके यहाँ पर गाइस एक वॉशरूम है, तो हो सकता है ये बंदा वॉशरूम की तरफ जा रहा है, तो मैं काम करता ना ये गाड़ी यहाँ पर लगा देता हूँ, और इस गाड़ी को इस तरफ लगा के गाइस जैसे ही बंदा यहाँ पर पहुंचेगा ना सीधे उसको खत्म करके गाइस उसके बाद गाइस इसके सारे साथियों को खत्म करके वहां से चुरा लूंगा गाइस मिलिट्री कर्नल की बेटी को, उसकी गाड़ी भी चुरा लूंगा, दोनों को लेके गाइस मैं सीधे चले जाऊंगा मेलनी के पास। ये देख रहे हो मिलिट्री कर्नल का स्पेशल ड्राइवर पहुंच चुका है, मैं इसके पीछे गाड़ी लगा देता हूँ। अब इसकी भैंस की टांग। ले भैया गाड़ी को रोक दिया, जल्दी से चाकू निकालता हूँ। इधर क्या हुआ, कुलाड़ी है, कुलाड़ी से मजा आएगा। ए ए ए ए ये गया, चल तेरी बांस की टांग। ये ले भाई चलो गाइस एक मिनट ओ शिट गाइस गड़बड़ हो गई है, एक मिनट गाइस इनकी जो सिक्योरिटी की गाड़ियां थी दोनों रेंज रोवर मेरी तरफ आ रही है, ये शायद मुझे ओ भाई 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 अटैक हो गया गाइस। चलो गाइस इसका मैं फायदा उठा रहा हूं, ये भाई बहुत खतरनाक गाड़ी है, मैं काम करता हूँ फटाफट से जाता हूँ और मिलिट्री कर्नल की बेटी को बुला लेता हूँ, उसकी गाड़ी के अंदर बैठाता हूँ, और भाई यहाँ से निकलते हैं। रुक जा बेटे रुक जा, अब ये देखो गाइस चारों तरफ से हमला हो रहा है मेरे ऊपर, लेकिन इनका माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा उस गाड़ी से जो कि गाइस मुझे लेके यहाँ से भागना है, ये उड़ा दिया साले को। चलो गाइस यार फाइनली अपना काम हो चुका है, अब एक काम करते पहले ये ना ये मिलिट्री वालों को उड़ाते, ये गए भाई चल निकल यहाँ से, चलो बेटे। अरे भाई भाई मेरी गाड़ी फंस गई, नहीं फंसना नहीं है। चल ये इसको भी कुचल दिया गाइस, एक एक करके सबको कुछ लेंगे, आ जाओ बेटे पुलिस वाले आ जाओ बेटा आ जाओ, ये ले भाई कुचल दिया साले को। चलो गाइस और कौन है आ जा, ये मरेगा मेरे हाथ से, रुको गाइस पहले तो है ना जाके बैठ जाता हूँ, रुको गाइस कितने लोग हैं कितने, ओ वो देखो सामने एक बंदा, ये गया
और कौन है, और कौन है? आ जा बेटा, आ जा, आ जा, आगे आते, आ जा बेटा, आ जा, आगे आते रहे। ये गया, पीछे वाला भी गया। ओके जल्दी से इस बेंटली में बैठ जाता हूँ। चलो गाइस हम लोग फाइनली गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ। इसे गाइस प्लेन के पास लेके जाता हूँ। साले ये गया। चलो गाइस जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठते। चल 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 बैठ, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। अरे गोलियां खा रही क्या, जल्दी बैठ। चलो गाइस यार मिलिट्री जंगल की बेटी बैठ चुकी है। अब एक काम करते हैं, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। अरे भाई 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 ये गया भाई, चल निकल यहाँ से। चलो गाइस यार ये इसका तो काम खत्म हो गया। अब एक काम करते हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। भाई यार ज्यादा लड़ाई नहीं हुई और हम लोग यहाँ से सेफली निकल गए। अरे भाई 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 गलत सीन गाइस, यार इन लोगों ने ये रास्ता बंद कर दिया है। गाइस अब मेरे पास निकलने का एक ही रास्ता, वो है गाइस वो गेट जहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली थी, जहाँ पर मेरे बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। वो लोग मेरे लिए गेट खुलवा देंगे बाहर से, बाहर से एक्सेस होता है इस गेट को खोलने का। तो गाइस एक काम करते हैं उस वाले गेट पर चलते हैं। ये देखो ये गेट यहाँ पर है गाइस, जो है गाइस बी नंबर का गेट, जिस गेट गेट को लॉक किया था इन लोगों ने वो ए था, अब ये बी नंबर का गेट है। यहाँ से निकलते हैं बॉयस, मारो सालों को इनकी पास की टांग करके रहे ये लोग। अच्छा ये लोग छुप के बैठे। चलो गाइस बॉयस मैं निकलता हूँ, निकलो तुम लोग भी। तो गाइस एक काम करते ना, फटाफट से इस गाड़ी को ना मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा प्लान बनाया, क्योंकि देखो जितना होशियार मिलनी है ना उससे ज्यादा होशियार मैं हूँ। अब मैंने क्या किया गाइस, मैंने बेनी को फोर करके ना एक ऐसा ट्रक का इंतजाम करने के लिए बोला था जिसमें गाइस यार सांस लेने की मतलब जगह हो। तो गाइस यार बेनी ने एक ऐसा ट्रक अरेंज किया, ये देखो ये है वो सामने ट्रक। और इस पूरे काम में गाइस हमारा सबसे ज्यादा क्या फायदा है, देखो मिलिट्री कर्नल से अपनी दुश्मनी तो हो चुकी है, आपको तो पता ही है। मिलिट्री कर्नल को आसान है क्या मारना? बिल्कुल नहीं गाइस, उसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि गाइस इस वक्त है ना, जब से गाइस यार माइकल शहर से तड़ी पार हुआ है ना, तब से एक चीज हो गई है, जितने भी माइकल के दुश्मन है ना वो लोग सारे के सारे गाइस यार इस वक्त है ना हाई सिक्योरिटी में रह रहे हैं। यानी कि बिजनेसमैन बोलो, माइकल के मिलिट्री कर्नल के दोस्त बोलो, या फिर मिलिट्री कर्नल खुद बोलो, या फिर पुलिस कमिश्नर बोलो, ये सारे के सारे हाई सिक्योरिटी में रह रहे हैं। इनको मारना नामुमकिन है, लेकिन भाई माइकल को पता है इन लोगों को कैसे मारना है। देखो हर एक जो व्यक्ति होता है ना उसका एक पर्सनल एंगल भी होता है, प्रोफेशनल तो होता ही है लेकिन उसका एक पर्सनल एंगल होता है। और मिलिट्री कर्नल का पर्सनल एंगल है उसकी फैमिली। गाइस मुझे लगता है इसी वजह से मिलिट्री कर्नल की जो बेटी है वो इस वक्त मुझे सुन नहीं रहे, क्योंकि वो ट्रक के पीछे वाले सेक्शन में। तो मिलिट्री कर्नल की जो बेटी है वो मुझे लग रहा है उसको सिक्योरिटी देने के लिए मिलिट्री कर्नल ने उसे मिलिट्री बेस बुला लिया, वो भी लॉस सैंटोस के। और ये बात मेलेनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि मिलिट्री कर्नल के जो आदमी है ना वो लोग गाइस जिस जगह पर गए थे मिलिट्री कर्नल की बेटी को उठाने के लिए, वो जगह उसकी कॉलेज की थी और वहाँ से एकदम ब्रूटली उसे उठाया गया, जो बिल्कुल भी मेलेनी को पसंद नहीं आया। और इसीलिए उसने गाइस कॉन्ट्रैक्ट दिया माइकल को, यार तू जा और मेरी बेटी को बचा ले, इसके बदले में मैं तुझे कितने पैसे दूंगी तू सोच भी नहीं सकता है। तो गाइस यार इतने पैसे भी मिल रहे, ऊपर से गाइस हमें मेलेनी का ट्रस्ट भी मिल रहा है, क्योंकि मेलेनी का अगर ट्रस्ट मिल जाएगा ना तो हमें मिलिट्री कर्नल को मारने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो गाइस अभी जल्दी से चलते हैं मेलेनी के पास और देखते हैं गाइस क्या होता है भाई। ऑल राइट तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं गाइस पैसिफिक रिजॉर्ट में। और भाई मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से अपने इस ट्रक को यहाँ से लेफ्ट ले लेता हूँ और इस ट्रक को गाइस वहाँ पर जाके छुपाएंगे। वो देखो गाइस ये जो गली है ना यहाँ पर जाके छुपा देंगे। और देख रहे हो यहाँ पर पिछले बार जब हम लोग यहाँ से गए थे इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन अब इस वक्त गाइस रिजॉर्ट भर चुका है। लगता है गाइस वीकेंड है इसकी वजह से बहुत सारे लोग आए इस रिजॉर्ट पर। देख रहे हो गाइस बेटी के मिलने की खुशी कितनी ज़्यादा होती है, बेचारी वहाँ से दौड़ दौड़ के आ रही है अपनी बेटी से मिलने के लिए। ओ भाई साहब गाइज यार माँ और बेटा, बेटी हो बेटा हो, माँ का प्यार अलग ही होता है ना। अरे वहाँ कहाँ जा रही है, अरे बेटी अंदर है रुक जा। ओए 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 क्या बात है भाई, आ जा चलो गाइज फाइनली। अरे 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 आराम से है बेटी जिंदा है। चलो गाइज यार फाइनली है ना इसके बेटी से मेलेनी के बेटी को उसके बेटी से मिला। क्या बोल रहा हूँ यार मैं, छोड़ो यार आपको तो समझ गया ना। अब गाइज यार ट्रेवल जो है वो मुझे कह रहा है जल्द से जल्द अपन तुम पहुँचो पलीटो शहर में, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो, क्योंकि अमांडा को गाइस इस वक्त मेरी यानी कि माइकल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस एक काम करते हैं फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं और सीधे चलते हैं पलीटो शहर की तरफ। लेट्स गो।